तो हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला दोस्तों कि आपके यूट्यूब चैनल पर किसी वीडियो पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आया और दोस्तों उस वीडियो को आप मतलब डिलीट कर देते हैं तो दोस्तों आपका चैनल है वो मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं होगा। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए पूरा वीडियो लास्ट देखिए। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को इम्प्रेस करें। चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें दोस्तों कि अगर आपके YouTube चैनल पर दोस्तों किसी मतलब वीडियो पे स्ट्राइक आया यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं दोस्तों इससे आपका कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों अगर आपके किसी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो दोस्तों वो यूट्यूब का जो टीम है यूट्यूब टीम वो दोस्तों उससे टैक डाउन कर लिया जाता है या तो दोस्तों फिर उसे रिमूव अपने आप कर दिया जाता है। दोस्तों आप अगर उसे डिलीट करते दोस्तों आपको कोई भी फायदा नहीं, वो तो मतलब जो स्ट्राइक है वो आपका यूट्यूब चैनल पर मतलब रहेगा ही। और जो वार्निंग मिलेगा अगर फर्स्ट है तो दोस्तों मतलब जो यूट्यूब टीम की नज़र में है वो मतलब परमानेंटली रहेगा ही। तो दोस्तों आपको कोई भी फायदा नहीं है। और दोस्तों मतलब चैनल मोनेटाइजेशन ऑन के बात करने करे है तो दोस्तों आप रिमूव कर देंगे मतलब डिलीट कर देंगे तो दोस्तों कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आपको मतलब चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होगा लेकिन दोस्तों एक मंथ के अंदर मतलब आपको 3 स्ट्राइक मतलब नहीं लेना, यानी 3 मंथ के अंदर आपको मतलब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आपके YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो पे मतलब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, तभी दोस्तों आपका मतलब जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा। मतलब 1 स्ट्राइक से आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक वाला वीडियो डिलीट करते हो दोस्तों उससे आप दोबारा गलती ना करें, कॉपीराइट स्ट्राइक वाला वीडियो आपको उसी तरह छोड़ देना, वो मतलब जो स्ट्राइक आया उससे आपको कोई भी प्रभाव नहीं, क्योंकि दोस्तों आपका चैनल पे आया कॉपीराइट स्ट्राइक तो मतलब पहले से ही मतलब यूट्यूब चैनल में आपका कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा ही। जब आपका 3 मंथ 90 दिन हो जाएगा वो मतलब रिमूव अपने आप आपका जो स्ट्राइक वो हट जाएगा। दोस्तों ऐसा गलती दोबारा ना करें कि मतलब डिलीट कॉपीराइट स्ट्राइक वाला वीडियो ना करें। और मोनेटाइजेशन बात है मतलब चैनल मोनेटाइजेशन के तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चैनल मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा जैसे भी आपका कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब हट जाएगा और 4000 सब्सक्राइबर होने के बाद। दोस्तों चलिए ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको कुछ सीख या कुछ अच्छा इस वीडियो से मतलब लगा या कुछ सीख मिला तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज मतलब इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को इम्प्रेस करें। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। बाकी थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।